शुक्रवार देर शाम पदभार ग्रहण करने वाले नवागत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल शनिवार सुबह ही नगर निगम पहुंच गए। उन्होंने नगर निगम के सभी अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने का आदेश भी दिया। नवागत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने पहले नगर निगम के सभी पटलों का निरीक्षण किया, अधिकारियों से मुलाकात की, सभी कार्यों का फीडबैक लिया। उसके बाद उन्होंने आगरा महानगर का निरीक्षण कर G20 डेलीगेशन की तैयारी में किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, यहाँ पर मेरे आने पर स्वागत किया, लोगों से मिला मैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों से बातचीत में और बाकी थोड़ा बहुत शहर का जायजा लेने की मैंने कोशिश की, काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। पुराने नगर आयुक्त साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। सबसे पहला तो यह है कि जितना अच्छा हो चुका है उसको हम आगे बढ़ाएं। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना था कि जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण उनकी प्राथमिकता में शुमार है, जिसमें सफाई, जलापूर्ति और जल निकासी सहित सभी नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। G20 में आगरा का जो नाम पूरे एक वैश्विक मंच पर बना है उसको और आगे करना है। आप सब लोग जानते हैं अगस्त में एक G20 की मीटिंग है, उसको लेकर के हमें तैयारियाँ करनी है। बाकी जो मैं देख रहा हूँ जनसामान्य की शिकायतें का निस्तारण और तुरंत निस्तारण, ये प्राथमिकता का विषय रहेगा और उसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे साफ सफाई का मामला हो या जल निकासी का मामला हो या पानी की सप्लाई का मामला हो। ये सारे मामले जो कि पब्लिक को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं उनका तुरंत निस्तारण, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, ये प्राथमिकता रहेगी। वर्ष 2017 बैच के IAS अधिकारी अंकित खंडेलवाल CDO अलीगढ़ के पद से स्थानांतरित होकर आगरा आए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में आगरा की रैंकिंग में सुधार के साथ ही अगस्त माह में प्रस्तावित G20 की दो प्रमुख बैठकों की तैयारी उनके लिए बड़ी चुनौती है। विजय बघेल, C News आगरा।